नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार में अगले महीने सरकार बंपर बहाली करने जा रही है। अप्रैल महीने में बिहार के सरकारी स्कूलों में लगभग 47,000 प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। सरकार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 40,506 प्रधान शिक्षकों और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,421 प्रधानाचार्य की नियुक्ति करने जा रही है। सूबे के सरकारी स्कूलों के प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए BPSC को जिम्मा दिया गया है। शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग के बीच बनी सहमति के आधार पर अगले महीने से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया है। ऐसे होगी नियुक्ति की प्रक्रिया। दोनों पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 150 सवाल पूछे जाएंगे। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक हर सवाल के सही जवाब पर 1 अंक मिलेगा, वहीं गलत जवाब देने पर 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी किसी ने 4 सवालों का गलत जवाब दिया तो उसका 1 अंक कट जाएगा। लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन और शिक्षक एप्टीट्यूड से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों से प्रधानाध्यापक का स्वर्ग प्रमंडल स्तर का होगा, यानी उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग उस प्रमंडल में कहीं भी की जा सकती है। वहीं प्राथमिक स्कूलों के प्रधान शिक्षक का स्वर्ग जिला स्तर का होगा और उनका ट्रांसफर जिला स्तर पर किया जाएगा। प्रधान शिक्षक और प्रधानाचार्य राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी होंगे, लिहाजा उन्हें सरकारी कर्मचारी अधिकारी की तरह सुविधाएं मिलेगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक पटना जिले में प्रधान शिक्षक के सबसे अधिक 1980 पद खाली हैं। वहीं प्रधानाध्यापक के सबसे ज्यादा पद पूर्वी चंपारण जिले में खाली है, वहां 340 से ज्यादा सीट की नियुक्ति होनी है। प्रधान शिक्षक के सबसे कम पद शिवहर जिले में है, वहीं प्रधानाध्यापक के सबसे कम पद पर अरवल जिला है। सरकार ने दोनों पदों के लिए योग्यता की तक कर रखी है। प्रधानाचार्य पद पर आवेदन के लिए आयु सीमा 31 से 47 साल रखी गई है। 2012 या उसके बाद नियुक्ति शिक्षकों के लिए टेट में पास होना जरूरी है। उन्हें किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। सरकारी नियमों के मुताबिक SC ST पिछड़ा आदि पिछड़ा दिव्यांग महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम अंक 5% की छूट मिलेगी। आवेदन करने वालों के लिए BA, BE8 या BSc पास होना जरूरी है। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षा की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा के पद पर कम से कम 8 साल तक लगातार काम कर चुके शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। उनके लिए कोई उम्र सीमा नहीं रखी गई है। पंचायती राज और नगर निकाय के तहत काम कर रहे स्नातक शिक्षक की अगर सेवा संतुष्ट है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, यानी 2 साल से ज्यादा काम कर चुके हैं। 2012 या उसके बाद नियुक्ति शिक्षकों के लिए TET परीक्षा पास होना जरूरी है। उन्हें स्नातक परीक्षा 50% से पास होना चाहिए। आरक्षित वर्ग को अंक सीमा में 5% की छूट मिलेगी। इसके साथ ही आवेदक के DLED या BT, BA, BAED या BSc में कोई भी डिग्री होनी चाहिए। इस परीक्षा में निजी स्कूलों के शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने CBSE, ICSE या BSEB के स्थायी संबंधाता प्राप्त स्कूल में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर कम से कम 10 साल या माध्यमिक शिक्षक के तौर पर कम से कम 12 साल काम कर लिया हो। तो सरकार टीचर के लिए बंपर भर्ती निकालने वाली है। जो इसके लिए इंतजार कर रहे थे वो जल्दी से जाए और इसका आवेदन करें। इसी तरह के छोटे बड़ी खबरों के साथ देखते रहें NBC 24।